अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आर स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज, जहां पर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर उर्दू ज़ुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताऊंगा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि इनका नाम है, आपको तो पता है प्रोनाउंस क्या है। अब इनके नाम में दो वर्ड्स हैं, इंटरोगेटिव और प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको पता क्या है, और इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि यानी कोई सवाल, यानी किसी चीज़ के बारे में आप तफ्तीश कर रहे हैं, यानी कुछ आप पूछ रहे हैं किसी से, तो उसमें सवालिया प्रोनाउन आएंगे। हाँ स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स ओपन कर लें। आपकी बुक्स में ये पेज नंबर 48 पर है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है, द वर्ड्स हु, whom, whose, what and which are called interrogative pronoun। यानी वो pronoun जिन में who, whom, whose, what या which आए, वो interrogative pronoun है। हर question से पहले हमेशा नहीं कह सकते, कई दफ़ा अक्सर औकात interrogative pronoun आता है, और कई questions ऐसे होते हैं जो interrogative pronoun से start होते हैं। जैसे कि what is your name, तुम्हारा नाम क्या है, वट आ गया, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच बुक्स आर दीज, ये कौन सी किताबें हैं, अब देखें विच, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स आ गया। हुज़ पेन इज़ दिस, यानी किसका पेन है ये, हुज़ किसका, इधर भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ गया। हुम, हुम किसने, हुम हैज़ डन दिस, या हुम इज़ दिस मैन, ये आदमी कौन है। हु, who are they, वो कौन हैं। अब स्टूडेंट्स, ये चंद एक आपको इन्होंने इंटर वर्ड्स दिए हुए हैं और इनके सेंटेंसेस। इनमें सबसे पहला वर्ड है who, who is talking to, कौन किस से बात कर रहा है, who is, कौन, who is he, वो कौन है, talking to, जिससे बात कर रहा है। Who is he talking to, वो किससे बात कर रहा है। बाद में who are those people, वो लोग कौन हैं। अब देखें इधर इंटरोगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है who, ये हमेशा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, चाहे ये जहाँ मर्जी इस्तेमाल हो। अब स्टूडेंट्स, ये मोस्टली क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। अब इधर आते हैं whom, whom are you playing with, तुम किसके साथ खेल रहे हो। अब देख लें इधर इंटरोगेट हो रहा है, पूछा जा रहा है कि तुम किसके साथ खेल रहे हो, यानी आप पूछ रहे हैं कि खेला किसके साथ जा रहे हैं, या whom is he talking to, वो किससे बात कर रहा है। इधर भी पूछा जा रहा है कि वो किससे बात कर रहे हैं। which, which of these bags is your, इनमें से कौन सा बस्ता आपका है। अब इधर भी पूछा जा रहा है किस इंसान के बारे में, यानी किसी नाउन के बारे में पूछा जा रहा है कि किसका बैग है। which do you prefer, तुम कौन सा प्रेफर करते हो, यानी कौन सा सजेस्ट करते हो मुझे। अक्सर औकात आप डॉक्टर से पूछते हैं विच मेडिसिन डू यू प्रेफर, तुम मुझे कौन सी दवाई प्रेफर करते हो। अब आते हैं हुज़ पर, हुज़ इज़ दिस अम्ब्रेला, ये छाता किसका है, ये छतरी किसकी है। हुज़ आर दिस ग्लव्स, ये दस्ताने किसके हैं। अब देखें इन दोनों सेंटेंसेस में किसी आदमी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसकी चीज़ है, ये नाउन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन सा नाउन है जिसका ये नाउन है। व्हाट, व्हाट इज़ योर डॉग्स नेम, तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है, व्हाट, अब ये भी एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या है। अब देखिए व्हाट भी एक बहुत कॉमन इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब उन्होंने ग्रामर हेल्प दी है, Who can be used as the object of a verb as well as the subject? वो कहते हैं who जो है वो एक object of a verb और subject भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उन्होंने object और subject कहते हैं वो who जो है पहले भी आ सकता है और बाद में भी। Whom is used only as the object, whom जो होता है हमेशा object के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी पहले। For example, You can say, Who are you playing with? तुम किसके साथ खेल रहे हो, और Whom are you playing with? या तुम किसके साथ खेल रहे हो। उन्हें क्या Who और Whom, इन दोनों को आप एक जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दोनों ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं,
लेकिन हु को आप सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वर्कशीट पर चलते हैं। ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमेशा किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, यानी एक्सप्लेन करते हैं उन्हें। द वर्ड दिस, ये, दीज, ये, यानी ज़्यादा के लिए। दैट, वो, एंड दोज, वो, यानी ज़्यादा के लिए, आर कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दे आर शोइंग वर्ड्स, वो बताने वाले अल्फाज हैं। दोज आर गोड्स, वो बकरियां हैं, यानी वो दूर हैं। दोज आर गोड्स, और वो ज़्यादा हैं। दीज आर शीप, ये भेड़े हैं, ये इसके करीब हैं। देखें, बकरियां दूर हैं और भेड़ें करीब हैं। ये बकरियां बहुत दूर और भेड़ें करीब, यानी दोज आर गोड्स, दीज आर शीप्स, ये और वो। अब नीचे आ जाए। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। दिस इज़ अ हिल, ये एक हिल है, यानी पहाड़ी है। दीज आर डंकीज, ये सब गधे हैं। ये देखें, यानी मेरे कोई करीब चीज़ पड़ी होगी तो उसे मैं ये कहूँगा। अगर कोई चीज़ दूर है तो मैं कहूँगा दैट इज़ जॉन्स हाउस, बहुत दूर है, दो गलियाँ दूर है। मैं आपको छत से बताता हूँ, मैं कहता हूँ वो देखें दैट इज़, वो जॉन का हाउस है, तो मैं इंग्लिश में इसे क्या कहूँगा, दैट इज़ जॉन्स हाउस। फिर अब देखें, हम बहुत दूर हैं, सड़क पर हैं, तो मैं आपको दूर से कहता हूँ वो देखें, जब बारिश के बाद पहाड़ नज़र आते हैं अक्सर औकात सियालकोट में, तो हम कहते हैं वो देखो वो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, कश्मीर के पहाड़ हैं, तो हम उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, दोज आर माउंटेन्स। अगर कोई एक पहाड़ है तो दैट इज़ अ माउंटेन। अगर बहुत ज़्यादा घोड़े दूर हैं, दोज आर हॉर्सेस। फिर वो क्या है, वाट आर दोज। वी कैन डू बेटर दैन दैट, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। अब देखें, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है, हम इससे उससे बेहतर कर सकते हैं। वी कैन डू बेटर दैन दैट, उससे। नो दैट्स नॉट माइन, नहीं ये मेरा नहीं है। अब स्टूडेंट्स ने दैट यूज़ करना शुरू कर दिया। दैट्स अमेजिंग, ये कमाल है। हेलो व्हाट इज़ दैट, वो क्या था। स्पीकिंग प्लीज, हेलो इज़ दैट यू, क्या ये आप हैं जॉर्ज। अब देखें, दैट और दोज दोनों ही दूर की चीज़ों के लिए, दैट सिंगुलर के लिए और दोज प्लूरल के लिए। लेकिन दिस जो है वो सिंगुलर के लिए है और दीज जो है प्लूरल के लिए। दिस करीब की चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दैट या दोज दूर की चीज़ के लिए। स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क ये है कि आप ये याद करेंगे, ये जो डेफिनेशन है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की, और इन्होंने ग्रामर हेल्प दी है जो कि मैंने आपको इसी में एक्सप्लेन कर दी है। इसमें स्टूडेंट्स बहुत सी इन्होंने चीज़ें बताई हैं। यूज़ दिस एंड दीज व्हेन यू पॉइंट टू थिंग्स नियर यू। अब देखें, दिस और दीज हमेशा करीब की चीज़ों पर इस्तेमाल करें। यूज़ दैट एंड दोज व्हेन यू पॉइंट टू थिंग्स फार्दर अवे। आप दैट और दोज दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी, जैसे कि सिंगुलर दिस और दैट, प्लूरल दिस और दोज। अब स्टूडेंट्स, इसमें ग्रामर हेल्प याद करनी है आपने, और ये डेफिनेशन, इसमें ये आपका होमवर्क है। और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में आपने ये डेफिनेशन और ये ग्रामर हेल्प, ये आपने याद करने हैं। और आपको ये सब वर्ड्स आने चाहिए कि कौन से इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। द हाफिज़।